नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जालोर सिरोही में गर्मी के मौसम में तापमान का पारा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी अब दिनों दिन तेज होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां भी अब दिनों दिन तेज होती जा रही है। जालोर सिरोही संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले लूंबाराम चौधरी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लूंबाराम जी चौधरी, उनसे बातचीत करेंगे। लूंबाराम जी, सबसे पहले आपका स्वागत, धन्यवाद। पहला सवाल, जालोर सिरोही संसदीय सीट पर आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, आप किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, क्या कहूंगे? पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और श्रेष्ठ नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट दे दिया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे चुनावी मैदान में हैं, कैसा मुकाबला देखते हो? मुकाबला कोई मुकाबला नहीं है, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं, जालोर सिरोही चालचर की जनता है, कोई मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लूंबाराम जी, आप माही के पानी को लेकर काफ़ी संघर्ष करते रहे हो, यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो जो लंबे समय से किसान मांग कर रहे हैं कि हमारे खेतों तक पानी पहुँचे, उसको लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? पानी के लिए मैंने कई वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ, भले सिरोही का 32 बांध हो, उसके लिए मैंने कई साल से संघर्ष किया और उन्होंने हमें सक्सेस भी हुए। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने हमने मांग रखी और उन्होंने 213 करोड़ रुपए पास किए और बांध का काम चालू हुआ और कुछ समय में बांध पूरा हो जाएगा और सिरोही ज़िले को फायदा मिलेगा। जहाँ तक माही की बांध की बात है, वहाँ माही के लिए हमने कई बार कोई भी भले प्रभारी मंत्री आया हो, कोई भी, सभी को हमने प्रार्थना पत्र दिए और अभी हमारे 2000 अभी तीन को आए फॉर्म बनाने के लिए, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय आशीर्वाद देने के लिए जालोर पधारे, उस समय भी हमने उनसे निवेदन किया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम माही के लिए और जवाई पुन भरण के लिए हम उनके दोनों पर कार्य करेंगे, ये आश्वासन दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय नरेंद्र मोदी पर कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है, इसलिए जो भी कार्य होगा माई के पानी के लिए, जवाई पुन भरण के लिए, जो भी होगा पूर्ण विश्वास है कि वो कार्य होंगे और जनता को फायदा मिलेगा जालोर सिरोही को। इसके अलावा लूंबाराम जी, क्या विजन है आपके पास में जालोर सिरोही, क्योंकि बड़ा एरिया है, एक तरफ पाकिस्तान से सटा हुआ है तो दूसरी तरफ उदयपुर, तीसरी तरफ गुजरात और चौथी तरफ जोधपुर से सटा हुआ पूरा बेल्ट है, क्या प्राथमिकता रहेगी और विशेष रूप से आपकी? विशेष तो मैंने पानी के लिए बता दिया कि, और उसके अलावा रेलवे के लिए सिरोही को हेडक्वार्टर को सिरोही जालोर से जोड़ने का, वागड़ा वाली, और जहाँ जहाँ रेलवे की जरूरत होगी, जैसे वहाँ पे रानीवाड़ा, चांचौर और बाड़मेर तक जोड़ने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप गत दिनों प्रवासियों में गए थे, प्रवासियों के साथ में आपने संवाद किया था, प्रवासियों ने आपका भव्य स्वागत सत्कार भी किया, प्रवासियों ने क्या आपके सामने डिमांड रखी, उनसे क्या आपने वादा किया? प्रवासियों ने सबसे ज़्यादा जो मांग रखी वो रेलवे की थी और उन्होंने उनकी मांगों के अनुसार पूरी अगर जनता का आशीर्वाद मिला और आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और जो जो उनकी मांगे हैं रेलवे की, वो मांगे पूरी कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, इन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी बात की है, तो मैं जालोर सिरोही चांचौर में लोकसभा में एक एयरपोर्ट विकसित करने के का मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे और एक एयरपोर्ट विकसित कराएंगे। इस बार जालोर सिरोही में एक आम और एक खास में मुकाबला है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बेटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उन्होंने सारे टीम थी जिस जिसको इन्होंने जाति वाइज बोर्ड के अध्यक्ष बनाए थे, उनको MLA सारे को यहाँ डेरा डाले हुए है। ताकत मुख्यमंत्री का लड़का है, इसलिए उनके सारे उन्होंने बाहर से बुलाए हुए हैं।
सारे जाति भाई जिन्होंने बोर्ड वगैरह दिए वो सारे सबको बुलाए हैं और उनकी ताकत को चौंक रहे। मुझे पूर्ण विश्वास, मुझे कार्यकर्ता पर जनता पर पूरा पूरा भरोसा है। मैंने 46 साल से जनता के बीच में रहा हूँ और 46 साल से जनता के बीच में रह कर मैंने सेवा की है। वो आज सेवा मेरे काम आ रही है। मुझे एक ही जनता सब कह रहे हैं कि हम साथ हैं, आप फिक्र मत करो। ये कहीं से कितने भी आदमी लाए, कुछ भी लाए, मैं अकेला नहीं, मेरे कार्यकर्ता और सिर जालू जनता की जनता साथ है कि मैंने 40 साल इस जनता की सेवा की है। संगठन का कैसा सहयोग मिल रहा है दोनों जिलों में? सभी अच्छा मिल रहा है, संगठन जनप्रतिनिधि सारे हमारे साथ हैं, सभी एक साथ होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लुमाराम जी, वैभव गहलोत बार बार कह रहे हैं कि मैं मारवाड़ का ही हूँ, स्थानीय हूँ और आप सिरू जिले से हो, तो वो बार बार कह रहे हैं मैं तो मारवाड़ का हूँ, यहाँ का ही हूँ। अरे वो यहाँ का है या नहीं, वो तो सिरू जालोर और चांचोर की जनता को पता है कि कहाँ के है। वो कह देवे कि यहाँ का हूँ, वो तो उनको जनता को सबको पता है और उनको भी पता है। और उनको इतना सिरू जालोर जनता को मूर्ख भी नहीं मानना चाहिए कि यार ये मैं तो कहीं यहीं का हूँ। हाँ मारवाड़ के है, वो बात मारवाड़ की बताए वहाँ से ही, बिल्कुल सिरोही का हूँ, वो तो जनता को जानते हैं कि कहाँ के हैं। पूर्व में अशोक गहलोत की सरकार थी, वर्तमान में भजन लाल जी की सरकार है, दोनों की कार्य प्रणाली को लेकर आप क्या कहोगे और वर्तमान में सरकार है उनको लेकर आपकी क्या टिप्पणी? टिप्पणी ये है कि इन्होंने 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जनता को लूटा है। आपको ध्यान है कि आपको पेट्रोल पंप और डीजल 5 साल हर समय में गुजरात से यहाँ पेट्रोल डीजल के भाव बहुत तेज रहे 5 साल। और ऐसा भी नहीं कि इनको ग्रापन नहीं दिए, हमारे बॉर्डर के आपने पेट्रोल पंप देखे होंगे, सारे पेट्रोल पंप 5 साल से बंद पड़े हैं, लॉक लगे हुए हैं। कारण क्या है कि इन्होंने टैक्स ज़्यादा बढ़ाने के कारण राजस्थान में पेट्रोल डीजल के भाव ज़्यादा हुए, ज़्यादा होने के कारण सारे गाड़ियों वाले सारे उन्होंने जा कर के गुजरात से भरवाते थे। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी और पूरी टीम को जिन्होंने कुछ टैक्स कम किया है, जिससे राजस्थान के किसानों और जनता को उसको राहत मिली है। मगर कांग्रेस ने 5 साल खूब ज्ञापन दिए मगर कोई सुनवाई नहीं की, कोई राहत नहीं दी। आप जालोर सिरू संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हो, लगातार आप गाँव में जा रहे हो, जनसंपर्क कर रहे हो, लोगों का कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? लोगों को बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स हो रहा है। जनता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी के 10 साल से जो कार्यकाल में काम हुए उस कामों को लेकर और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के जो वर्जन है देश के लिए उसको लेकर के बहुत खुश है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आपके सामने गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, वैभव गहलोत की पूरी फैमिली चुनावी मैदान में है, तो लुम्बाराम जी की फैमिली चुनाव के लिए आपकी मदद कर रही है, प्रचार कर रही है आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली? हमारी फैमिली, हमारा विशेष तो खेती का काम काज है, वो उनसे हमारे घर वाले के उनके तो कोई इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे उससे कोई फर्क नहीं है। हाँ जरूर बच्ची वगैरह है, एक दो बच्ची जो बच्ची है वो बच्ची प्रसार कर रही है। कान्हाराम जी बच्चे और बच्ची कान्हाराम जी प्रसार कर रहे हैं, बच्चा कर रहा है, उपजिला बनो रहे हैं, तो दोनों बच्चे हैं, दोनों पर से अपने काम कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। मगर उन्होंने तो सारे परिवार को, पूरा परिवार को उतारा है। और माननीय अशोक गहलोत ने खुद ने कहा है कि मेरी भाई जो इनके मदर शायद क्या पहली बार के आपके चुनाव में मैंने उतारा है, वो उनके मुंह से कहा है। एक डायलॉग चल रहा है, हम के एक ही साको लोगों का, कोई डायलॉग को लेकर आप क्या कहोगे? डायलॉग तो जनता का है, कुछ भी कह सकते हैं। आपके टिकट की घोषणा हुई जैसे ही, आप एक स्कूटर पे जा रहे थे, पीछे बैठे हुए थे और वो वीडियो काफ़ी सुर्खियों में रहा, पूरे देश भर में वो वीडियो वायरल हुआ। सांसद बनने के बाद ऐसे ही लुम्बाराम जी रहेंगे या थोड़ा कोई बदलाव आएगा? मेरे पास कई बार पद आए हैं और कई बार पद गए हैं। लुम्बाराम था, वही है, वही लुम्बाराम रहेगा। मैं 5 साल प्रधान रहा था, राजस्थान का बेस्ट प्रधान का अवार्ड मिला था मुझे, और उसके साथ बाद में मुझे 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सरकार में मुझे 2 बार जिला अध्यक्ष रहने का मौका मिला। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पहले प्रधान था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जिला अध्यक्ष बना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लुम्बाराम में लुम्बाराम ही रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा कार्यकर्ताओं से नीचे से आया हूँ और इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाकी बात जो आप कह रहे हो उसके अंदर, जो पटवारी से SDM बनता है और एक IAS सीधा बनता है, जो पटवारी से SDM और कलेक्टर बनते हैं उसका मुकाबला
आईएएस सीधा आईएएस नहीं कर सकता है, भले कितना भी बड़ा हो। मतलब आपके कहने का मतलब मैं कार्यकर्ता से सांसद बनने जा रहा हूँ। सीधी बात है, मुझे मालूम है कि मुझे मैंने वो दिन भी देखे हुए कि किसी जनप्रतिनिधि के पास जाकर काम नहीं होता है तो उस कार्यकर्ता का दिल कितना दुखी होता है। किसी अधिकारी के साथ जाते हैं और काम नहीं होता है और बिना काम से लौटते तो क्या दर्द दिल में, क्या दर्द होता है, वो हमें ध्यान है। कार्यकर्ताओं के लिए गाँव में लोगों के साथ साथ जा कर के काम के लिए मांगने पड़ते हैं, कई बार जाते काम नहीं होता तो उसका कितना दर्द होता है वो भी हमें पता है कि मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रधान था तो भी वो कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, जिला अध्यक्ष था तो भी वो, नहीं हूँ तो भी वो, तो मेरे कोई हाँ उनका फर्क तो पड़ेगा क्योंकि वो एक अशोक गहलोत जी का बेटा है, उसको डायरेक्ट मिलना लोगों का संभव नहीं होगा। पीएम मोदी आ रहे हैं भीनमाल में 21 अप्रैल को, कैसी तैयारियां हैं, कितने लोग आएंगे और दौरे को लेकर आप क्या कहोगे? मैंने आपको पहले भी कहा था हमारा संगठन इलेक्शन लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। मैं दौरे पर सभी जगह तैयारियां पूरी है और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय हमें आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे, उनका मैं सिरोही जालौर और सांसौर की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। जालौर सिरोही क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करोगे लोकसभा चुनाव को लेकर? उनकी अपील मेरी ये है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए, जनता के लिए 15-16 घंटा काम किया है, देश का नाम विश्व में किया है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कराओ। ये तो ये थे लोम्बाराम चौधरी जो कि जालौर सिरोही संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने हमारे सवालों के जवाब बेबाक तरीके से दिए। सहयोगी रिजव पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट दानीवड़ा।